बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 11G मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं मुखातब मोहम्मद सईद, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल 11G मार्केटिंग। आज इस टाइम मैं फैसल टाउन में खड़ा हूँ। कॉर्नर का ये घर है, बहुत ही खूबसूरत घर है और ये प्रॉपर कॉर्नर भी है। और ये ना 5 मरले है ना 8 मरले, ये 6.5 मरले घर है और 1 यूनिट घर है। और इसकी जो आर्किटेक्ट है उसने बहुत ही अच्छा घर डिज़ाइन किया है। घर की खूबसूरती आपको अंदर से भी पता चलेगी और इसकी बाहर से भी। बाहर से फ्रंट एलिवेशन पे पेंट भी हुआ हुआ है और टाइल्स भी लगी हुई है। इसी तरह नीचे जो छोटी दीवार है इसके ऊपर भी टाइल और पेंट लगा हुआ है। अगर मैं साइड से दिखाऊं आपको इसको, तो ये साइड से देखिए पूरा कॉर्नर के जो बेनिफिट है इन्होंने पूरे लिए हैं। प्रॉपर ग्लास विंडो सारी इधर निकली हुई है। सिटिंग एरिया में छोटे छोटे ग्लास लगा के, मतलब विंडो से लगा के खूबसूरत किया गया है। एक्स्ट्रा लैंड के साथ है ये और पानी वाली बोरिंग भी हुई हुई है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मीटर भी लगा हुआ और गैस का मीटर भी लगा हुआ है। घर के अंदर सारी चीज़ें, लेकिन ये एक फैमिली के लिए है। एक फैमिली के लिए बहुत ही आइडियल घर है, बहुत ही आउट क्लास 1 यूनिट घर है। सीढ़ी इसकी अंदर से है और ये कार रैंप है यहाँ पे, और एक गाड़ी की प्रॉपर अंदर से जगह है इसकी। एक गाड़ी यहाँ पे बड़ी खड़ी हो सकती है। इधर चिप्स इन्होंने करके, रगड़ाई करके बड़े खूबसूरत पीसेस लगा के इसको बहुत टायरस कार पार्किंग को बहुत ही खूबसूरत किया। वॉल पे लकड़ी का पीस लगा के खूबसूरत किया, घास का पीस लगा के, टाइल लगा के इसको खूबसूरत किया। इसी तरह ही इस साइड पे मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे भी देखे टाइल लगा के, घास लगा के खूबसूरत किया। और यहाँ पे पानी वाली बोरिंग का मोटर का प्लग लगा हुआ है। यहाँ पे पानी का सप्लाई भी है और पानी की बोरिंग भी है। और ये गेट है जो आपके ड्राइंग रूम के लिए है और ये गेट है जो ग्राउंड पोर्शन के लिए। यहाँ पे भी देखे टाइल लगा के इसको इन्होंने घास लगा के खूबसूरत कर दी। ये मेन डोर है। मेन डोर की मैं बात करूँ तो जो चगाट है वो लोहे की है और जो है दरवाज़ा वो लकड़ी का है। बहुत ही आउट क्लास लकड़ी का काम हुआ हुआ, डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ है इसके अंदर। जब मैं इंटर होता हूँ तो पूरा सिटिंग एरिया है, बहुत बड़ा कनाल से बड़ा सिटिंग एरिया है। और यहाँ पे आप देखें, जैसा ये देखें इतना खूबसूरत किया इन्होंने, ये पूरे शीशे लगा के इसको ग्लास लगा के विंडो टू विंडो कर दिया। इतना खूबसूरत है, यहाँ से आप बाहर भी जा सकते हैं इसको ऐसे खोल के, और इसको आप लॉक कर दें और अंदर भी यहाँ पे है। और ये है प्रॉपर LCD के लिए जगह। यहाँ पे भी देखें गोल्डन पट्टी लगा के, आजकल गोल्डन का फैशन बहुत है, हर तरफ गोल्डन पट्टी लगा के। इसको शीट है बेसिक गोल्डन की है, ये इसके अंदर गोल्डन टच है, बहुत ही खूबसूरत लग रही। पीछे भी लकड़ी का काम हुआ हुआ है और ये तो मुझे बहुत खूबसूरत। अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग में ऊपर छत पे लाइटिंग, बहुत खूबसूरत लाइटिंग की हुई, छोटी छोटी लाइटें बहुत सारी लगी हुई, घर को बेहद रोशन कर दिया हुआ इन्होंने। अगर मैं ड्राइंग रूम की बात करूँ तो यहाँ पर भी देखे विंडोज लगा के और ग्रिल लगाई हुई है सेफ्टी के लिए। और इसी तरह ही यहाँ पे भी विंडोज लगा के ग्रिल लगाई हुई है सेफ्टी के लिए। कॉर्नर के फ़ायदे बहुत होते हैं। और जो फनूस है और सीलिंग है वो भी बहुत अच्छी हुई हुई है। वॉल पे जो लाइट लगी हुई गोल्डन कलर की लाइट है। और ये गेट है जहाँ से आपका गेस्ट इंटर होगा। और यहाँ पे भी देखें छोटा सा खूबसूरत करके वॉल लगा के, इसके अंदर वॉल पेपर लगा के, एक छोटी सी अंदर लाइट लगाई हुई है, बेहद खूबसूरत लग रहा है। ये डिज़ाइन किया जाता है घर को खूबसूरती के लिए। बहुत सारे अखराजात बढ़ जाते हैं सादी वॉल पेपर पे और सादी दीवार पे, और जिसमें डिज़ाइन किए जाते हैं उसमें पैसों का बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो प्रॉपर इन्होंने खूबसूरत घर को बनाया है। और ये सीढ़ी ऊपर जाती है और साथ ही यहाँ पर इन्होंने एक सिंक लगा, वाश बेसिन लगा दिया आप हाथ वगैरह धोने के लिए। और ये गोल्डन कलर है इसमें और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें बहुत प्यारा गोल्डन सा पीस लगाया हुआ, नीचे ब्लैक कलर की ट्राली लगाई हुई है, बेहद खूबसूरत। काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया है। यहाँ पे सीढ़ी ऊपर जाने के बावजूद भी यहाँ पे देखें बहुत बड़ा सिटिंग एरिया। अगर मैं इसकी सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग भी बहुत खूबसूरत हुई हुई है। पंखा, फनूस, लाइटें बहुत आउट क्लास लगी हुई। इसको कलर चेंज कर सकते हैं, इन लाइटों का वाइट कर लें, येलो कर लें, जो आपका दिल चाहे रिमोट के साथ इन कलर चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसका ग्राउंड पोर्शन का किचन विजिट कराते हैं आपको। काफ़ी बड़ा किचन बनाया है इन्होंने, काफ़ी बड़ा किचन है। यहाँ पे देखें ब्लैक टाइल्स लगी, ब्लैक कलर का ये पूरा मार्बल लगा हुआ है और रेड कलर की शीट भी लगी हुई और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन किया हुआ है यहाँ पे। और ब्लैक कलर का शावर लगा हुआ है जिसमें आप बर्तन
धोने के लिए ये देखें बहुत ही आउट क्लास है ये अपना आपका सिस्टम। ये गो के अभी पानी कम है इस वजह से ना, बाकी बहुत सारी जगहों पे से पानी आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसको इधर भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ब्लैक कलर का लगा, और ये विंडोज लगी हुई है वेंटिलेशन के लिए। कॉर्नर का घर है ना, बहुत बेनिफिट है। यहाँ भी देखें रेड कलर के रैक लगे हुए हैं, यहाँ पे भी रेड कलर और वाइट कलर के रैक हैं, और यहाँ पे भी आपके वाइट कलर के और साइड पे ये साथ रेड कलर के रैक लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये। और इसी तरह ही यहाँ पे अपना हुड लगा हुआ है, ये बर्नर लगा हुआ है, ऊपर भी प्रॉपर डिजाइनिंग किया हुआ घर है ये। सारे रैक ही रैक है, आप इसमें काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। इसी तरह ही अगर किचन में फनूस की बात करूँ तो गोल्डन कलर का फनूस लगा हुआ, लाइटिंग लगी हुई है, सीलिंग के अंदर फैन लगा हुआ है। यहाँ पे आप अपना गीजर लगा सकते हैं किचन में अलग पानी गर्म करने के लिए। सब चीज़ें प्रॉपर सेटिंग के साथ की हुई। अगर मैं इसके फ़र्श की बात करूँ तो सिटिंग एरिया का फ़र्श और ड्राइंग रूम का फ़र्श और कमरों का फ़र्श सारा वाइट फ़र्श है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन करके लगाया गया, इसमें ब्लैक पट्टी है बीच में फ़र्श के, और बहुत खूबसूरत। ये है जी इसका ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेड। बहुत बड़ा बेड है, इतना बेड मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कनाल के घरों में होता है जितना ये बड़ा बेड है। काफ़ी बड़ा बेड है, वीडियो में बहुत छोटा नज़र आ रहा होता है लेकिन बेड काफ़ी बड़ा है। और ये विंडोज लगी हुई है वेंटिलेशन के लिए, और ग्रिल ब्लैक कलर की लगाई हुई है सेफ्टी के लिए, ताकि आपके घर के अंदर कोई गैर मुतलका आदमी ना आ जाए। इसी तरह छत पर सीलिंग जो हुई हुई बहुत खूबसूरत हुई हुई है, पंखा लगा हुआ है। और ये वो गेट है जहाँ पे बाहर लॉन्ड्री के लिए और आउटडोर एसी वगैरह गीजर वगैरह के लिए यूज़ करना होता है। माशाल्लाह यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस साइड पे भी अलमारियाँ हैं, इस साइड पे भी अलमारियाँ हैं, क्या बात है जी। ये देखें जी, आप कपड़े इस्त्री करके रख सकते हैं, इसमें भी आप कपड़े इस्त्री करके रख सकते हैं, और एक तरफ ये इस्त्री करके रख सकते हैं, और एक तरफ यहाँ पर फोल्ड कपड़े करके रख सकते हैं। अगर मैं वाशरूम की बात करूँ तो वाशरूम में बहुत ही खूबसूरत वाश बेसिन लगा हुआ प्याला नुमा, और ऊपर गोल्डन कलर का नल लगा हुआ है, आजकल गोल्डन कलर बहुत इन है। और सामने वाली टाइल की बात करूँ तो ब्लैक गोल्डन कलर लगा हुआ है, शावर बहुत अच्छा लगा हुआ है, सीट बहुत आउट क्लास सीट लगी हुई है, लेटेस्ट डिज़ाइन की सीट लगी हुई, इंग्लिश सीट है ये। अगर मैं इसके घर की खूबसूरती की बात करूँ तो नो डाउट ये वाकई बहुत खूबसूरत घर है, और वाकई बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ घर है। 6.5 मरले का ये घर है, और 6.5 मरले के घर के अंदर जो डिज़ाइनिंग की गई है, वन फैमिली, ओनली वन फैमिली आप इसमें लिविंग कर सकते हैं। ये रेंट पर्पज़ के लिए नहीं बनाया गया, ये वन यूनिट बनाया गया है। आए ऊपर चलते हैं, और अगर मैं इसके स्टेप की बात करूं तो ये लोहे की सीढ़ी बना के प्रॉपर मार्बल के पीस लगा के, और साइड पर ग्रिल जो है ना वो लोहे की लगा के काफ़ी मजबूत किया है घर को। अभी हम माशाल्लाह इसकी छत अपर पोर्शन पर आ गए हैं। अगर मैं इसकी खूबसूरती की बात करूं तो सीलिंग के ऊपर, सीलिंग में इसके इतनी लाइटें लगी हुई हैं, छोटी 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 लाइटें हैं, बहुत खूबसूरत लाइटें लग रही हैं। और इसका फनूस देखें कितना प्यारा लग रहा है, ये नीचे से भी नज़र आता है, ऊपर से भी नज़र आता है। अगर ग्लास की बात करूँ, विंडोज़ की बात करूँ तो नीचे से ले कर ऊपर तक विंडोज़ लगी हुई हैं। इसी तरह ही अगर मैं सीढ़ी की बात करूँ तो ये सीढ़ी अपर पे छत पर चली जाती है, और ये वॉल पर लाइट लगी हुई है। और इसके साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए सिल्वर कलर की पट्टी लगी हुई है, लोहे इसमें गोल्डन कलर भी आता है और सिल्वर कलर भी आता है। ये सिल्वर कलर की पट्टी लगी हुई है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी हुई हुई है और बहुत आउट क्लास हुई हुई है। अभी हम चलते हैं जो नीचे किचन है उसके ऊपर जो बेड बना हुआ है, सबसे पहले हम उस बेड में चलते हैं। ये है जी छोटा बेड अपर पोर्शन पे, जो किचन वाला बेड है वो ये है। यहाँ पे अलमारी बनी हुई है, और ये देखे विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए, ग्रिल सेफ्टी के लिए, और ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में तो इन्होंने कमाल कर दिया जी, हर बॉर्डर पे इन्होंने स्टील की पट्टी लगाई है, जहाँ टाइल का जोड़ आता है वहाँ पे स्टील की पट्टी लगी हुई है, और प्लस इंग्लिश सीट लगी हुई, शावर लगा हुआ, रात फैन लगा हुआ है, लाइटिंग भी बहुत प्यारी हुई हुई है इस घर के अंदर। कमाल काम किया मालिक ने जितने भी ये घर बनाया। अभी हम चलते हैं, जो मास्टर बेड नीचे था उसी तरह का एक मास्टर बेड ऊपर जो है उसकी भी मैं बात करूं तो यहाँ पे देखें अलमारियाँ बना दी हैं इन्होंने, प्रॉपर काफ़ी सारी अलमारियाँ बनी हुई हैं। इसमें कपड़े फोल्ड करके रखें, इस्त्री करके रखें, इसमें भी इस्त्री करके रखें, और इसमें भी फोल्ड करके रखें। काफ़ी बड़ा बेड है, माशाल्लाह मास्टर बेड है, और ये विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए, ग्रिल सेफ्टी के लिए ये बेड
के अंदर टाइल जो लगी हुई वो भी बहुत अच्छी लगी हुई है। इसी तरह ही अगर मैं वॉशरूम की बात करूँ तो वॉशरूम में भी डिफरेंट कलर की टाइल्स, शावर, सीट बहुत प्यारी लगी हुई, छोटी खूबसूरत सीट लग रही अच्छी, और सीलिंग के अंदर अरदास फैन लगा हुआ है, लाइटिंग लगी हुई है। अभी हम चलते हैं अपर पोर्शन के तीसरे बेड में। अगर मैं बात करूं इस बेड की भी तो ये भी बहुत बड़ा बेड है। ये ड्राइंग रूम नीचे जो था उसके ऊपर बेडरूम बनाया गया है। प्रॉपर विंडोज वेंटिलेशन, कॉर्नर के बेनिफिट बहुत होते हैं जी। प्लाट थोड़ा सा महंगा होता है, घर थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसके बेनिफिट भी जो है वो भी बहुत होते हैं। ये ग्रिल लगी हुई है सेफ्टी के लिए। जिस फैमिली ने एक ने रहना है और उसने लाइफ को एंजॉय करना है तो वो ये घर लाजमी लें। वो इस घर के लिए हमसे लाजमी रब्ता करें, हम आपको ये घर परचेज करवा के देंगे और बहुत मुनासिब कीमत पर करवा के देंगे। और ये है इसका टेरेस छोटा सा, यहाँ पर भी ज़रूरत के मुताबिक मालिक ने चिप्स लगाई है ताकि कभी ख़राब ना हो। और ये ग्लास लगा के फ्रेम बना के लोहे का ग्लास लगाया हुआ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे बैठ के चाय, कॉफ़ी, बारबेक्यू करें आप लोग। अभी हम चलते हैं इसके वॉशरूम में। जो वॉशरूम बनाया गया है वो भी बहुत खूबसूरत, अलमारियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे भी, और बहुत आउट क्लास जगह। और ये इसका वॉशरूम है। इसके वॉशरूम में भी जहाँ पर टाइल का जोड़ आता है वहाँ पर इन्होंने स्टील की पट्टी लगाई है और जोड़ को छुपा दिया है, और उससे बहुत ही खूबसूरत हो जाता है कि वॉशरूम आपका। तो ये था हमारा अपर पोर्शन जो हमने आपको विज़िट कराया है। अभी हम चलते हैं इसकी छत पे। छत पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये वॉल पे यहाँ पे भी देखें इन्होंने ये स्टील की पट्टी लगा के टाइल लगाई है इसको खूबसूरत करने के लिए, मतलब बेहद खूबसूरत किया गया इसको। और साथ ही ये जो स्टेप हैं सीढ़ी के, ये भी इतने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, लोहे के बने हुए। एक अलग एंटीक कलर का सीढ़ी है, बहुत अच्छी लगती है ये सीढ़ी। बेसिक लोग सीमेंट वाली बनाते हैं, लोहे वाली पे कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन अच्छी हो जाती है, खूबसूरत होती है। इसके ऊपर जो मार्बल लगा हुआ है वो भी बहुत अच्छा लगा हुआ है। यहाँ पे आप अपना यूपीएस रख सकते हैं। इस टाइम मैं छत पर आ चुका हूँ, यहाँ पर ब्रेकर भी लगा हुआ है और विंडोज भी लगी हुई है। ये लोहे का गेट है जहाँ से हम बाहर जाएँगे छत पर। माशाल्लाह, एक तो इस्लामाबाद का मौसम बहुत प्यारा हो गया है, बहुत खूबसूरत मौसम है, बारिश वाला मौसम है, बादल आ गए हैं, दिन को बहुत गर्मी थी और इस टाइम मौसम बहुत प्यारा हो गया है। यहाँ पे एक कमरा बनाया हुआ है ममटी पे, जिसको आप सर्वेंट रूम कह सकते हैं, और इसके साथ अटैच वॉशरूम है और टैंक पानी वाला जो है ये भी, और लॉन्ड्री भी। यहाँ पर इन्होंने छज्जा लगा दिया, छत बना दी है, यहाँ पर आप लॉन्ड्री करें, ये प्रॉपर टैंकी के नीचे स्टोर बन जाता है। और अगर घर की कॉर्नर घर है, मेन बुलेवार्ड रोड के बिल्कुल करीब है, जो कश्मीर हाईवे से रास्ता आना है मेन डबल रोड उसके बिल्कुल करीब है। इंतहाई खूबसूरत घर, इंतहाई अच्छा काम हुआ हुआ तो ये घर है, जिसकी डिमांड है 3 करोड़ रुपया। और अगर इसके साइज़ की बात करूँ तो 25x60 इसका साइज़ है, जिसको 6.5 मरले कहते हैं। 8 मरले नहीं है, 5 मरले नहीं है, 6.5 मरले का ये घर है, बहुत ही खूबसूरत जगह पर है। तो मज़ीद डिटेल के लिए मुझे कमेंट्स करें या मेरे नंबर पर रابطہ करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि रियल एस्टेट के मतलब जितनी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।